हेलो गाइस, वो देखो शो चल रहा है। यार तैयार नहीं हो के इसको यूनिवर्सिटी से उठाए धरती का बोझ जो कि हम एक महीने में खत्म हो जाएगा। हेलो गाइस, वेलकम टू मेरे दीदी के व्लॉग में। तो आज हम जा रहे हैं इंगलाज माता मंदिर। जो मैडम है ये देखें सो रही हैं। अभी आए हैं पेट्रोल पंप पे। अंकल कॉफ़ी पी रहे हैं या चाय पी रहे हैं? सर्दी लग रही है बेचारे को। पेट्रोल पंप पे और वहाँ पर फोटो शूट चल रहा है। आप लोग भी ऐसे पेट्रोल पंप पे जहाँ जाएँ तो फोटो शूट ज़रूर करें। वो देखें इंगलाज माता बताएं ड्राइवर अंकल। ट्रैफिक तो हमें नजर नहीं आ रहा। आप अंकल झूठ बोल रहे हैं। ड्राइवर अंकल थक गए हैं, बहुत दुख रहा है उनको। अब आगे मिलते हैं हम डायरेक्ट विंदर। विंदर का हम बीच का नहीं बना पाए क्योंकि मैं बहुत थक चुकी थी। आगे देखते हैं। वेलकम टू ब्लिंक क्वींस। तो आपने विनेश की कचर पचर तो सुन ली होगी और फिर उसके बाद हमने विंदर में लंच किया और फिर हम तो हम चलते हैं फिर डेस्टिनेशन की तरफ। उम्मीद करते हैं जो हमारा ट्रिप है वो काफी एडवेंचरस होगा और आप लोगों को भी ब्लॉग देख के काफी मजा आएगा। उम्मीद करते हैं अच्छा रहेगा। तो चलते हैं हम अपनी डेस्टिनेशन। ये लड़कियां देख रहे हैं आप लोग, हर जगह खड़े होके बस शूट करती रहती हैं। कोई काम नहीं है इनके। ये रोड आपकी फोटोग्राफी के लिए बनाया हुआ है। काम वाम नहीं है आप लोगों को? बारीक लोगों बस गाड़ी कहीं रुकी है और इनकी फोटोग्राफी स्टार्ट। और जिंदगी में कोई काम है? ये देखिए 10 मिनट सिर्फ गाड़ी रुकी, 10 मिनट भी नहीं, 5 मिनट में और इनकी ये हालत। हेलो बाय टाटा। ये मुझे देखिए फोटो बना रही है और इसकी अभी 20 दिन में शादी होने वाली है। हेलो लाला, ये सारे खड़े इधर चाय के लिए रुके। वहाँ पे लोगों को सबर ही नहीं आ रहा चाय के लिए और इनको सबर ही नहीं, अपनी मोबाइल निकाल के बैठ गई है कि हम गरीब लोग चाय तो पीते ही नहीं है तो यही कर ले। मोबाइल ले, मुझे मोबाइल ले। यार तैयार नहीं हूँ क्या इसको यूनिवर्सिटी से उठाए। अरे ये क्या लगा है आपकी शक्ल देखने की? आपको मेरी शक्ल इतनी पसंद है? नहीं, कैमरा वालों को दिखा रही थी ना। शादी में कैमरा मैन आ रहा है। कितना सारा खा रही है। हेलो गाइस, इतनी बुरी हालत हो चुकी है हमारी और अब हम यहाँ पे दर्शन करने आए गणेश के मंदिर में।
ये देखिए हमारी चुड़ैल धरती का बोझ जो कि हम एक महीने में खत्म हो जाएगा, और ये बोझ हम जल्दी से निकालने वाले अपने मुल्क से। हमारे मुल्क की धरती ने बोला इतना बड़ा सीने पे बोझ हमने रखा हुआ है, इसको निकालो प्लीज निकालो। इतनी तारीफ है, इतनी बहुत है। ये इनको तारीफ लग रही है। आप समझ गए ना हम क्या कहना चाह रहे? समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? अरे बस इतना काफी है। मंदिर में है दुपट्टा, पता नहीं कहाँ चले गए इनके। कराची सुधरे हुए लोग, ये देखो मंदिर में ये काम चल रहे हैं इनके। चलो घर पे अभी से चलो। ये देखो तैयार होते हुए इतनी रात को। तो यहाँ दो टीम के दरमियान हमला हो रहा था इस बच्चे की मदद से। ये बच्चा था हमारी टीम का, बहुत ही मजे का था, और इसके थ्रू हम वहाँ अगली वाली टीम पर हमला करवा रहे थे। मजे का सीन। अब बदकिस्मती से ये लग गया इन आंटी के हाथ में, और आंटी ने तो ले ली इनकी खबर सही वाली। यहाँ हो रही थी न्यू ईयर की सेलिब्रेशन। मैं जानती हूँ मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ ब्लॉग को अपलोड करने में, क्योंकि मैं बहुत ही बिजी चल रही थी काफ़ी टाइम से। तो जैसे ही मुझे टाइम मिला मैंने सोचा अपलोड कर लेना चाहिए, पर खैर एक कोई बात नहीं, देख लीजिएगा यार। थी हम यहाँ रात को मटर कुश्ती करने और हम पागलपंती कर रहे हैं, दिनेश की गाड़ी ढूंढ रहे। प्लीज आप लोगों को पता है तो दिनेश की गाड़ी बता दे कहाँ खड़ी। हम सुबह के 6 बजे उठ के बेताब हो रहे हैं 84 पे जाने के लिए, लेकिन हमारे पास कोई है नहीं। हमें ले जाने वाले बाप माता रानी कोई बंदा भेज दे जो हमें लेके घुमा के ले आए। तो फाइनली हमें गाड़ी मिल चुकी है, भाईजान उठ जाए। बड़ी मुश्किलों के बाद गाड़ी मिल गई हमें। मेरे भाईजान उठ जाए, ये बहुत सुस्त आदमी है, इनको उठना बड़ा मुश्किल है। चलो इतनी मुश्किल से हमने ढूंढा है आपको, चले जल्दी से। तो 6 बजे है तो चलो उठो, तैयार व्यार हो गए। हाँ तैयार व्यार हो गए ना, सोने के लिए आए हो इधर? अच्छा कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? यहाँ पे बंदे घूमते हैं फिरते हैं मजे लेते हैं, सोते हो। तीसरा चक्कर ही हमारा,
हम घूमने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, एडवेंचर चाहिए होते हैं बस। इस आदमी पे हमें 1% भी भरोसा नहीं है। चले चले जल्दी, पहले आप चले ऊपर। सबका नाश्ता चल रहा है, भूखा लोगों का। आप पहले खा के फिर बस। ना, शरीफ लोग चाय नहीं पीते, ये लोग सारे भूखा। आपकी गलती, आप शरीफ बने हो। नशीले लोग। ये लोग तैयार हैं अपने एडवेंचर के लिए, और इस पागल को हम साथ लेके जा रहे हैं। दिशा, बंदर, दिनेश, दिनेश। इज्जत के काबिल हैं आप? यस, आपसे ज्यादा। लगता नहीं है। उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को काफ़ी मज़ा आया होगा, लेकिन आगे बहुत मज़ा आने वाला है। बहुत ही मज़े की ट्रिप थी हमारी, और बहुत ही बीच में रास्ते में हमने बहुत सारे फ़न किए और बहुत मज़ा आया हमें। और लास्ट का व्यू जो था ना, ओह माय गॉड, आउट क्लास का था वो। तो प्लीज़ देखना मत भूलिएगा, ये वाला भी देख लीजिएगा पूरा, फिर वाला तो देख लिया ना, लेकिन नेक्स्ट पार्ट भी देखना मत भूलिएगा, पूरा पार्ट देखिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे पता है काफ़ी टाइम के बाद ब्लॉग मैंने डाल रही हूँ, मैं अपलोड कर रही हूँ, तो प्लीज़ प्लीज़ यार प्लीज़ शेयर भी कर दो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे ब्लॉग्स को देख सकें। और कोशिश करूँगी कि सारे ब्लॉग्स मैं जल्दी से जल्दी अपलोड करूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं लेकिन अपलोड करने का टाइम नहीं हो रहा। तो बस आप लोग दुआ करें कि जल्दी से जल्दी मैं अपलोड कर सकूँ। बाय, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा याद से। बाय।